असल च पंजाब की त्रासदी यह है कि जिहड़ियां धिरां नूं आपां सरकार बना के खजाने की चाबी दे दिंदे आ वह काफ़ी अरसे तो लुटते लुटते उन्होंने पंजाब के जिहड़े आम आवाम के बेसिक इशूज ने एजुकेशन हेल्थ केयर रुजगार इन्हां नाल बहुत सरोकार निकल जोरदार ढंग किसी एक इशू फड़ के किसी लॉजिकल कंकलूजन तक नहीं लैके जाते एक मुद्दा चकते हैं उन्होंने छड़ दें दूजा चकते हैं भी छड़ दें फिर तीजा चकते भी छड़ देंगे जस्ट पंजाब के एक किस्म का जिदा कहते कि ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की पॉलिटिक्स चल रही यानी कि नंबर बनाने की राजनीति चल रही है। हाँ अकाली दल की जी राजनीति है वह मैं समझ आती है वो बहुता डट के किसी भी इशू के उत्ते विरोध नहीं कर सकते क्योंकि वह आप हर गल में चोर तो काने चाहे वह ड्रग्स की गल है चाहे वह रेत माफिया की गल है चाहे वह शराब माफिया की गल है चाहे वह ट्रांसपोर्ट माफिया की गल गुरिंदर पापा एक ठेकेदार से इरीगेशन डिपार्टमेंट का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 2000 करोड़ रुपए के गमन में फड़िया से हूँ पिछले ताज़ा ही 2017 की चोट तो बाद राणे गुरजीत ने वो 5 करोड़ रुपया लिया हुआ सी इनडायरेक्ट तंत्र जोड़ा सगा ये इतना डैमेजिंग सगा कि वो सरकार भी बहुत शर्मिंदगी बन अल्टीमेटली किस्सा कुत्ता मतलब सब का प्रेशर पै कला मैं मेरा कोई क्रेडिट नहीं होता कैप्टन साहब ने 100 के करीब एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स के इंस्पेक्टर्स को तबादला करता पर मैं पूछना चाहता कैप्टन साहब कि तुम इतने वे पद्धर के उत्ते शराब फड़ी की डिस्टिलरिया मालकों ने को जो कि ट्रकों के ट्रक बेचते हैं इन्हों की कार्रवाई की दोस्तों अज मैं थोड़े नाल जो पंजाब दे विच वक वक डिपार्टमेंट्स विच लुट को सुट हो रही है उदे सिलसिले च गल करनी असल च पंजाब दी त्रासदी यह है कि जिहड़ियां धिरां नूं आपां सरकार बना के खजाने की चाबी दे दिंदे आ वह काफ़ी अरसे तो लुटते लुटते हैं उन्हां नूं पंजाब दे जिहड़े आम आवाम के बेसिक इशूज़ ने एजुकेशन हेल्थ केयर रुजगार इन्हां नाल कोई बहुता सरोकार नहीं गा ये एजेंडा उन्हां दा बन चुका पिछले 10-15 साल अकाली दल के राज उस तो पहला ते हुण लगातार जिहड़ी दूजी त्रासदी है कि जिहड़ी ओपोजिशन हुंदी है जिन्हां नूं आपां विरोधी धिरां दा रोल दिंदे आ उह वी किते ना किते जोरदार ढंग दे नाल किसी एक इशू नूं फड़ के किसी लॉजिकल कंकलूजन तक नहीं लैके जांदे एक मुद्दा चकते हैं उन्होंने छड़ देंगे दूजा चकते हैं भी छड़ देंगे फिर तीजा चकते उन्होंने भी छड़ देंगे जस्ट पंजाब के एक किस्म का जिदा कहते कि ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की पॉलिटिक्स चल रही यानी कि नंबर बनाने की राजनीति चल रही है। हाँ अकाली दल की जी राजनीति है वह मैं समझ आती है वो बहुता डट के किसी भी इशू के उत्ते विरोध नहीं कर सकते क्योंकि वह आप हर गल में चोर तो काने चाहे वह ड्रग्स की गल है चाहे वह रेत माफिया की गल है चाहे वह शराब माफिया की गल है चाहे वह ट्रांसपोर्ट माफिया की गल है चाहे भ्रिष्टाचार की गल है किसी गल में डट के विरोध नहीं कर सकते इस करके वह रस्मी विरोध करके तो अगला मुद्दा चक लेंगे ने फिर अगला मुद्दा चक जी मेन ओपोजिशन पार्टी से आम आदमी पार्टी उन्होंने किसी इशू पर रिसर्च करके प्रॉपरली उसनों एक मुद्दे जड़ों फड़ के कंसिस्टेंटली लड़ाई नहीं दी मतलब एक इशू फड़िया जिदा कोई ये वड्याई नहीं की लेकिन जो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से उदों असी माइनिंग माफिया बकायदा फड़िया और फिर वो 3-4 महीने लड़ाई लड़नी पई जो राणे गुरजीत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने कैबिनेट चो कढ़िया पहला तो अमरिंदर सिंह जी ने उसनों बिल्कुल क्लीन चिट देती सी बगैर किसी गल अल्टीमेटली जो असी कंसिस्टेंटली लड़ाई लड़ते रहे रोज़ तकरीबन नवे तत्थ पेश करते रहे उन्होंने कंपनियां की शमूलीयत उदे जिहड़ा नेपाली सी जिस नूं उन्हें बेनामी ठीका लैके दिता सी रेतां दे खड्डां दा वो करदे 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 कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जस्टिस नारंग कमीशन बनाउणा पिया हालांकि फर्जी कमीशन सीगा जज भी इन्हां दा अपना लाया सीगा पर जो उसने रिपोर्ट दित्ती असीं उस रिपोर्ट नूं RTI दे अधीन लैके ते जो मैं उहदे पूरे छानबीन की उसी रिपोर्ट च बहुत तत्थ मिल गए उहदी हालांकि उसने भी इहनूं बचाउण की कोशिश की लेकिन उहदे रिपोर्ट विच जिहड़े कुछ इस तरह के अहम तत्थ जिदा मिसाल के तौर पर जिहड़ा गुरिंदर पापा एक ठेकेदार से इरीगेशन डिपार्टमेंट का जिन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 2000 करोड़ रुपए के गमन में फड़िया से हूँ पिछले ताज़ा ही 2017 की चोण तो बाद राणे गुरजीत ने वो 5 करोड़ रुपया लिया हुआ सी इनडायरैक्टली
ਇਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੱਸਾ ਕੁੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਬਾਇਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 2 ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਗਰਸ ਆਂਕੜੇ ਕੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 2017-18 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ 286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫਿਰ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੋਸ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਅਤੇ 927 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2019-20, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪਿਲਫਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰੈਵਨਿਊ ਲੋਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗਤਜੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਹਮੀਰਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਗਰ ਹੀ ਫਿਰ 12 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLAs ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 12 ਕਾਂਗਰਸ MLAs ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹਦੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਖੱਪ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕੀ ਉਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੀ 12 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLAs ਬੋਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 MLAs ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੱਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਨਾਮ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ MLAs ਬਨਾਮ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਔਰ 35 ਸਾਲਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰਦਾ,
1985 तक पंजाब के खजाने के उत्ते कोई कर्जा नहीं सी। पंजाब रेवन्यू सरप्लस स्टेट सी। 35 साल इन्हां दी बदौलत वारों वारी सरकार बना के इन्होंने अज साढ़े पंजाब नूं 2.5 लाख करोड़ का कर्जा चाड़ दिता। और जो 2.5 लाख करोड़ का कर्जा चाड़ता मैं कई बार साधियां जी फिगर्स देनियां पैंदियां, बहुत आप कॉम्प्लीकेटिड गल्लां करांगे तां सब दी समझ नहीं आता। इहदा कल्ला ब्याज जिहड़ा 20,000 करोड़ रुपया सी ब्याज भरे एक साल का, इन्हों की नलायकी करके इन्हों की लुट के करके। तो जो 20,000 करोड़ रुपया कल्ला इंटरस्ट पेमेंट पर जाऊगा तो फिर स्कूल कितों बन जाएंगे, फिर हॉस्पिटल कितों बन जाएंगे, फिर साढ़े बच्चों जॉब्स कितों बन मिल जाएंगे, पिंड सड़क कि बन जाएगियाँ, पिंड वेटनरी हॉस्पिटल कितों बन जाएंगे। जेडे कुछ साढ़े सज्जन कहें कि असं दिल्ली का मॉडल लागू कर देंगे, नहीं हो सकता। दिल्ली एक एक शहर की स्टेट है, रेवन्यू सरप्लस स्टेट सी, कोई रकबा नहीं गा वो को 7-स्टार होटल की आमदन, एयरपोर्ट की जी एस टी की आमदन, हालांकि हम वह भी फसे हुए हैं। पर पंजाब जिहड़ा वा इहदे कोल जे 20,000 करोड़ रुपया साल का असी इंटरस्ट पेमेंट में दे देना कर्जे की अदायगी दे विच, ते फिर स्कोप ही नहीं गा किसी तरह की जिहड़ी डिवेलप मीनिंगफुल डिवेलपमेंट का। इहदे नाल ही कनैक्टेड होर एक दूजी रिपोर्ट सी, यह भी मैं ट्रिब्यून रिपोर्ट कोट कर रहा, जो खप पई ना तो मीडिया ने भी रौला पाता कि एक्साइज की बहुत चोरी हो रही है, ठगी चोरी हो रही है, बहुत ज़्यादा ये हो रही है। तो कैप्टन साहब ने फिर अपने डिपार्टमेंट नूं कहा कि शिकंजा कसो। आ हुण शिकंजा कसन दे नाल दो खबरां इंपोर्टेंट तुहानूं कर दिंदा। अज दी लेटेस्ट ट्रिब्यून दे विच आया वा कि जिहड़ी कीड़ी अफगाना विखे गुरदासपुर दे विच कौंटी चड्डे दे परिवार दी, मैनूं नहीं पता किन्हां दी अगे सबसीक्वेंटली उहनां दे परिवार दी जिहड़ी डिस्टिलरी आ उहदे चों 2 ट्रक लोड पूरे भरे हुए 1400 शराब के डब्बिया के ट्रक लोड सके जोड़े वो इस मिल के गैर कानूनी फटे गए, जी होंगी अपनी पंजाब मेड लिकर। इनू बहाने कभी अरुणाचल का फेक पास दिखाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ का फेक पास दिखा के शराब में वह बाहर डिस्टिलरी चो एक्साइज की चोरी करके समगल करके भेजते हैं। तो सरकार ने जोड़ा FIR दर्ज की है वो अननोन बंद अणपछाते बंद खिलाफ दर्ज की, मतलब दो ट्रक शराब से 1400 पेटी फड़ी गई है। परचा जोड़ा होया वा 22 मई में जोड़े 15 डिस्टिलरिया उत्ते, मैं अपने को भीरो कुछ नहीं कह रहा, सारी डिटेल्स रिपोर्ट अखबार की। 22 मई में जो खप वी बहुत ज़्यादा, 22 मई में जिहड़ियां पंजाब दे विच 15 डिस्टिलरिया ने, जिदा मैं पौंटी चड्डे की कही, इदा राणी गुरजीत की आ, इस तरह ही DP यादव UP वाले की आ, शायद ओसवाल परिवार की भी है, होरना लोगों की भी, शायद मेरे ख्याल दीप मल्होत्रा सबका MLA अकाली दल का वो भी है। इन्होंने कहा जी 22 मई में जो इन 15 डिस्टिलरिया के उत्ते रेड किया गया तो 22,262 पेटियां जिहड़ियां सीगियां वो पंजाब मेड लिकर जिहड़ी कि नंबर 2 विच विकरी सी वह इन्हां डिस्टिलरिया दे विचों पाई गई। 22,262 पेटियां शराब रिकवर की डिपार्टमेंट ने, जिदे ते लेबल गलत लाए हुए थे कि असी छत्तीसगढ़ विच विचनी आ, असी अरुणाचल प्रदेश के विच विचनी आ। ते कैप्टन साहब ने 100 के करीब एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स के इंस्पैक्टर्स नूं दा तबादला करता। पर मैं पूछना चाहुंदा कैप्टन साहब कि तुसीं एडे वड्डे पद्धर के उत्ते शराब फड़ी गई डिस्टिलरिया मालकां दे कोलों, जिहड़े कि ट्रकां दे ट्रक बेचते हैं, इन्हां ते कार्रवाई की कीती है? किसी ते कोई FIR दर्ज, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कोई रिकवरी का यत्न? कि आप अक्सर साडा पैसा इन्हां लुट लुट के अपनी जेबां च पाई जांदे ने, वो पैसा इहदा मतलब आपां उन्हां नूं एक सर्च ऑपरेशन करके एक रेड मार के उन्हां नूं कहता कि जिहड़ी मगरली लुट ली सी वो तुहाडी होगी, तो इस तों बाद तुहानूं असीं नहीं लुट्टण देंगे, हालांकि लुट्टी हले भी जांदे। एक रिपोर्ट होर कोट कर दिंदा मैं इस सख्ती दे विच, आ हेडलाइन तुसीं थोड़ा नेड़े हो के देख लो, मैं तुहानूं पढ़ दिंदा मोटे तौर पर। यह जदों यही सख्ती की, कहिंदे 3 दिनां विच 50 मुकदमे दर्ज किए, सिर्फ जिहड़े शराब वाले बेलेबल जो मुकदमे दर्ज करती नरम जे अणपछाते बंदियां दे खिलाफ सरकार 50 मुकदमे एक जिले दे विच एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ते पंजाब पुलिस वालों लो जी 3 दिनां दे विच इस ऑपरेशन नूं भी नाम दिता पंजाब सरकार कैप्टन साहब उन्होंने ऑपरेशन रेड रोज। 3 दिनां विच 50 मुकदमे जदों दर्ज किए तो 3.5 लाख लीटर
3.5 lakh liters illegitimate गैर कानूनी शराब वो फड़ी गई। 3.5 लाख लीटर महज तीन दिन के छापिया में, तिना दिन जो थोड़ी जी सख्ती की सरकार ने 50 मुकदमे दर्ज किए एक जिले के, हम तुम अंदाजा ला लो कि 3 दिन 3.5 लाख लीटर शराब जो मिल फड़ी जाती है, तो 3 साल जो लंघ गए ने कैप्टन साहब की सरकार में जिसे सुते पे थे, जिसे करके साड़ी एक्साइज की आमदन घटती 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 इन्नी घटती कि हूँ एक साल में पिछले 11 महीनों 1820 करोड़ रुपए की एक्साइज रेवेन्यू लॉस होया पंजाब में। है कोई वाली वारस इस स्टेट का, है कोई इस इशू के उत्ते कला, बिकॉज अल्टीमेटली एक मेरे हिसाब के नाल करप्शन का जिदा कहते होंगे कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग बहुत मामूली जहा यह जी आ रहा ना, यह चोरी का मामला एक्साइज की चोरी का मामला, ये जिदा समुद्र के वड्डे ग्लेशियर बर्फ जमी होंगी वह एक छोटा जहा एक हिस्सा वा, उन्होंने टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। कोई है पुछ गिछ करने वाला कि जी 3 साल एडे वे पद्धर से जी 1000 करोड़ों रुपए की साड़ी लुट हो गई है, कोई इन की रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स करेगा, कोई इन उत्ते क्रिमिनल केसिस दायर करके ये पैसा रिकवर करने की कोई कोशिश करेगा, कि आप कहता कि चंगा जरा मगरला लुट लिया हूँ थोड़ा गौर ना लुट्यो, क्योंकि मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर हाँ, मैं चीफ मिनिस्टर भी हाँ, हूँ मेरे उत्ते सीधिया उंगलियां उठनिया लग गई, अखबारों वाले भी छापन लग गए, प्रिंट मीडिया भी मगर पै गया, इसलिए हूँ तुम जरा मगरला लुट लिया है लुट लिया हूँ मैं तुम गांह तो नहीं लुट्ट दूंगा, या थोड़ा लुट्यो जिद मेरी बदनामी ना हो, पंजाब की राजनीति खड़ गया। और मैं जी त्रासदी कही सी कि ओपोजिशन जी यदा रोल ये आ कि एक इशू फड़न चंगी तरह ना, और उदों तक कंसिस्टेंटली लड़ाई लड़न जो तक असी ये कोई मेहने खेस प्राप्ति ना कर, जो असी एक मुद्दा फड़ते हैं फिर असी दूजे पर चल जाने, फिर तीजे पर चल जाने, फिर चौथे पर चल जाने, वह कोई फायदा नहीं होंगे मेरे लिए। सो अज का जो मेन मकसद सेगा जस्ट उदाहरण के तौर पर कि अगर पंजाब सरकार ने एक डिपार्टमेंट में एक साल में सरकार के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए का चूना लग रहा वा, तो तुम अंदाजा ला लो कि पंजाब के दर्जना नहीं शायद 1 सैकड़े तो ज़्यादा सरकारी महकमे ने पंजाब के, फिर उन्होंने चूना लगता होगा, तो यह पैसा कितने जा रहा वा, यह सारा पैसा ताकतवर पोलीटिकल ब्यूरोक्रैट्स जरा लॉबी कनैक्शन है उन्होंने नाल जो माफिया वा, पावरफुल पोलीटिकल ब्यूरोक्रैट माफिया नैक्सिस इन पंजाब, 3 बंदे रल गए, राज करने वाले चिट्टे कपड़े वाले भी रल गए, अफसर भी रल गए, तो उन्होंने जो माफिया जरा उन्होंने राह दसदा कि हूँ रेता बजरी इस तरह लुटनी है, तो ट्रांसपोर्ट के इदा ठगी मारनी है, तो शराब के व्यापार में इदा ठगी मारनी, ये तिना का गठजोड़ जरा बन के साडे सूबे इन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जे बनाता, उदा इफेक्ट कैप्टन साहब या बादल साहब के परिवारों पर नहीं पिया, उन्होंने काम काफ़ी हद तक ठीक है, काफ़ी नहीं काफ़ी 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 ठीक है, यदा इफेक्ट पिया तुहाडे बच्चों के उत्ते, बच्चे पंजाब छड़ के विदेशों में भज गए क्योंकि उन्होंने कोई नौकरी नहीं गई, और पेरेंट्स को लग्या कि जे साडे बच्चे इत्थे रह गए कितने नशेड़ी ना बन जाण, उदा इफेक्ट आम वर्ग मध्य वर्ग लोअर मिडल क्लास किसान परिवारों पर आम काम करने वाले ऑर्डिनरी सिटीजन से यदा कल्ले बच्चों नहीं फर्क पाया, फिर ऑल ओवर इफेक्ट पै गया, मतलब साडे स्कूल्स जिन्हों को उम्मीद सी कि बच्चे पढ़न गए वो ढे ढेरी हो गए, हॉस्पिटल तुसीं आ देख लिया कि करोना वायरस वायरस में किन्ने कॉम्पिटेंट सीगे, किन्ने के मरीजों का इलाज कर सके, और यदि कॉस्ट फिर प्राइवेट एजुकेशन से हेल्थ केयर का वड्डा माफिया पैदा होगा, वो जो मर्जी लुटी जाते हैं फीसा ले जाते हैं, अज साडे दोस्त अमृतसर धरना तो मार रहे हैं कि मैडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा वधाएगी, बिल्कुल वधाएगी, गलत है, मैडिकल कॉलेज फीस 80% उसमें वाधा किया गया, इट्स रोंग, वो एडे वे पद्धर से फीसा नहीं बदले, पर जो आप धरना देने जा रहे हैं आप रियलाइज नहीं कर रहे कि इन्हों एक साढ़े ही दोस्त जोड़े इनकलाबी ने उन्हों का डेंटल कॉलेज आ, उस डेंटल कॉलेज के जी फीस है वो 1 साल की एडवांस लेंगे ने, जी उन्होंने पिछले जून में ली 2019 उन्होंने 2020 जून तक एडवांस में ले लिया, वो ट्यूशन फीस छड़ दो, सिर्फ जी होस्टल तो मेस की फीस है खाने पीने की तो रहने की वो 1,78,000 रुपए एक स्टूडेंट की 1 साल की है, तो हम उधर आप धरना ला के कहने कि फीसा माफ़ करो तो घटाओ, तो अपने कॉलेज में जे असी
तीन महीने की भी छूट नहीं दे सकते। अगर तीन महीने कॉलेज बंद रहा, 22 मार्च तो बाद कॉलेज अज तक बंद ने, तीन महीने घट्टो घट अगर 3 महीने का कैलकुलेट करिए तो 178,000 रुपया फी स्टूडेंट की फीस, 44,500 रुपया साढ़े मित्रों उन्होंने स्टूडेंट्स को वापस कर देनी चाहिए। फिर असं हक बचाना हो जाने कि देखो असी अपने कॉलेज में आ फीस माफ की है, क्योंकि कॉलेज बंद से असी फीस वापस कर दी। तो हूँ अपने मिनिस्टर साहब सोनी जी मेडिकल एजुकेशन दी फीसा तुसीं बढ़ाईआं ने इह घटाईआं जाण, पर जदों आपां ही गलत राह ते चलदे आ तो फिर आप दूसरे नूं की कहांगे। कहिंदे ने चैरिटी बिगिनस फ्रॉम होम, पहला अपने घरों तुसीं कोई गल शुरू करोगे तो फिर तुसीं दूसरे नूं कोई गल कहण जा सकदे। पर कुल मिला के जिहड़ा मेरा लार्जर इशू है वो यही आ कि बहुत वड्डी लुट हो रही है, तो कल्ली शराब के इशू नूं एक्साइज की चोरी नूं, जिहदे च डिस्टिलरियां वाले भी चोर ने, ट्रकां दे ट्रक कढ़दे ने, जिहदे विच रिटेल विच सारे पंजाब के 13,000 पिंडां ते शहरां विच होम डिलीवरी शराब हो रही है, पेटियां दी पेटियां टैलीफोन के उत्ते लॉकडाउन के विच करफ्यू के विच पहुँचदियां रहियां। पैरेलल ट्रेड पंजाब विच 2 नंबर का चल रहा, वैसे तो सरकार कहिंदी कि सानूं लगभग 2,000 करोड़ रुपए का घाटा पै साल, साडा मनना वा कि जिहड़ी अज की डेट में कोई 6,000 करोड़ रुपए की एक्साइज रेवन्यू दिखा रही है सरकार, जे सरकार संजीदगी दे नाल लगामा कसे या इसकी सरकारी कारपोरेशन बना के कल्ले शराब के व्यापार में चलावे, आई एम क्वाइट श्योर कि एक साल में ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपया कमाया जा सकता। सो मतलब 15,000 करोड़ रुपया तो आप एक डिपार्टमेंट चो नलेकी दे करके हेरा फेरी करके काला बाजारी करके एक डिपार्टमेंट चो लूज कर रहे हैं। एक कोई फकर वाली गल नहीं, पर कहते हैं ना कि पंजाब दे अल्कोहल कंजम्पशन सब तो हाईएस्ट है सारे इंडिया चो, तो फिर साढ़े नाल दूजिया स्टेटा की आमदन को ज़्यादा वा, क्योंकि उत्थे इमानदारी दे नाल एक्साइज रेवन्यू जिहड़ी इकट्ठी हुंदी आ चोरी नहीं होण दिंदे। आ मेरा अज मकसद सीगा कि तुहानूं सिर्फ एक मुद्दे दे उत्ते फोकस करके, जिहदे च मिनिस्टर्स भी भज गए, जिहदे च 12 कांग्रेस दे एमएलए भी हथ खड़े करके चले गए बिना किसी प्राप्ति तो, जिहदे विच ओपोजिशन पार्टीज भी, सुखबीर सिंह बादल ने एक दिन मीडिया नूं मिले उन्होंने कहा था बड़ी गलत गल है चोरी हो रही कांग्रेसी खा गए, उस तों बाद कित्थे ने जिहड़े साडे दोस्त ने आम आदमी पार्टी वाले, वह कित्थे ने। ये तो फिर कंसिस्टेंटली इदा की लड़ाई लड़ो कि पंजाब सरकार ये आम जनता अकाउंटेबल होना पवे, उन्होंने दसना पवे कि हाँ आ साडे लॉसिज ने, आ इन्हें केसिज रजिस्टर किए, आ बाय नेम किए ने, आ असी रिकवरीज करांगे और इन्ना सारा जो टीचा है अगले साल असी एक्साइज की रेवन्यू का वधावांगे साडे खजाने में पैसा आवे। सो मेरे दोस्तों मेरे मित्रों मेरे वीरों ते भैणों जो कुछ भी मैं कहा वा ये सिर्फ एक एग्जाम्पल पेश किया, उम्मीद करदा कि तुसी सारे विश्व च बैठे जिन्ने भी हो पंजाब नाल हमदर्दी करदे हो तुसी ये सारी गल नूं अच्छी तरह समझोगे। सोशल मीडिया मैं दोबारा दोबारा कहना हर बारी कि सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म जिहदे ते आपां कोई लॉजिक गल करिए जिहदे नाल बादली तरीके नाल एक दूजे दे नाल गल, जदों तुसी गलत गालां लिखदे हो तुहाडियां धीआं भैणां भी पढ़ रहीआं तुहाडी मातावां पढ़ रहीआं, जो तुम कोई लिखते हो ना किसी को फर्ज करो गाल कल मैनू नहीं, तुम कैप्टन अमरिंदर सिंह सुखबीर हरसिमरत या होर किसी आगू गाल लिखते हो, जो थोड़ी धी भैन देखती हो कहती मेरा भरा तो मेरा प्यो एडा कमीना वा ये सानू गाला कट रहा वा, इसलिए गाला अवॉइड करो कोई भी गलत लैंग्वेज ना, असं चाहिए तो गाली गलोच से मुकदमे दर्ज करा सकता है, साइबर लॉज इनपावर्ड ने जो लोग गलत लिखते हैं ना गाली गलोच करते बकायदा तौर पर केस रजिस्टर हो सकता है, पर मैं इदा की कोई गल जानना नहीं चाहता, अवॉइड करो अच्छी लैंग्वेज लिखो, आप वाहेगुरु परमात्मा ने चंगी सिक्ख्या दिती है अच्छे शब्दों में, जो क्रिटिसिजम भी करना मीनिंगफुल क्रिटिसिजम करोगे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम करोगे तो जो व्यक्ति ने अपना जवाब भी दे सकते, जो तुम एवं बेतुकी गाली गलोच गलत शब्द लिखते हो वो थोड़े अपन धीं भैन से लागू होंगे ने साडे किसी से कुछ नहीं जाता। सो उम्मीद करदा कि अच्छी लैंग्वेज लिखोगे और इस वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करोगे, थोड़ा सारे का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।